शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यहाँ भी काम करूँगा, मजदूरों के हक का ख्याल हमेशा रखूँगा। आज तो उसने अपने प्यार का इकरार कर ही दिया। यहाँ बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया। भारत हमारा देश है, हम सब भारत मां की संतान हैं। लेकिन जब किसान को रोटी नहीं मिलती, मजदूर के घर चूल्हा नहीं जलता, जब अपने ही लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, तब इस भारत मां की आन की रक्षा के लिए अन्याय की कोख से जन्म लेता है आंदोलन। आदर्श, इस बोतल में क्या है? गायब होने की दवा। गायब होने की दवा? हाँ, कल हमारा अशरफ कैंटीन का बिल दिए बिना गायब हो गया था ना। यह दवा मैं उसी के लिए लाया हूं और इस दवा से मैं कैंटीन का बिल भी वसूल करूंगा और उसे सजा भी दूंगा। तुम लोग एक काम करो, कॉलेज में सबको यह प्लान समझा दो। अशरफ कहाँ है? नहीं यार, नहीं नहीं। सुभाष, ये सब आदर्श से क्या मांग रहे हैं यार? अरे अशरफ, क्या बताओ यार, आदर्श के हाथ में एक ऐसी दवा लग गई है जिसकी पीते ही आदमी गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अरे सर सोच यार, आदमी दिखाई न दे तो कुछ भी कर सकता नहीं। देख, तेरे को बोलता हूँ 100 रुपए तो बात कर। बोल आदर्श, इधर आना। अरे तू भी कहाँ इन भिकमंगों के चक्कर में पड़ा है? ये ले 100 रुपए और ये दवा मुझे दे दे। लेकिन ये दवा असर करेगी ना? यार भरोसा नहीं तो पी के देख ले। लेकिन तू गायब होके करना क्या चाहता है? तू तो जानता है यार, मैं सलमा की कब से फील्डिंग कर रहा हूँ। अगर ये दवा पीकर मैं सचमुच गायब हो गया तो कम से कम उसकी एक पप्पी तो ले सकूंगा यार। पप्पी? बस समझ ले चैंपियन, आज तेरा काम हो गया। ये ले बोतल और पी जा। ले अरे अशरफ, कहाँ है तू? अरे दिखाई नहीं दे रहा यार। क्या आदर्श, क्या मैं सचमुच गायब हो गया? अरे तू बिल्कुल गायब हो गया यार, लेकिन वो तेरा ट्रैक सूट नजर आ रहा है, उसका क्या करेगा? अरे ये क्या कर रहा है? देख, ट्रैक सूट से तो लोग तुझे पहचान लेंगे, अंडरवेयर से नहीं। अब जा तू पप्पी ले जा। So boys and girls, sleeping partner. सलमा, अशरफ, मुझे किस करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए सलमा, तेरे को मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? स्टूपिड, इस अंडरवेयर में पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो। क्या? ए आदर्श यार, ये गलत बात है। अशरफ मैडम, ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम कॉलेज के चैंपियन ना होते तो मैं तुम्हें इस हरकत के लिए आज ही कॉलेज से निकाल देती। यू इडियट। यार तुम लाइब्रेरी में नंगे क्या कर रहे हो? मैडम जाओ कपड़े पहन के आओ। आदर्श, अनिकेत, देखा अनिकेत क्या हाल किया आदर्श ने मेरा। मेरे पैसे भी गए और मैं नंगा भी हो गया यार। भाग सुभाष। कितना फर्क है तुम दोनों भाइयों में। मगर अशरफ तू इतना बड़ा हो गया, तू इन लोगों के चक्कर में फंसा कैसे यार? Hey, stop it! आज मैं इस क्लासरूम में एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। ऐलान? Yes. मैं अब आप सबके सामने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करना चाहूंगी जिसको मैंने अपना ये दिल दिया है। Hey you. कौन मैं? अरे not you, अनिकेत। Cap man. I love you, अनिकेत. I love you. Come on, I want to kiss you. गए कब तक यूं ही सपनों में दिल देती रहेगी? वो आ रहा है, आज तो उससे अपने प्यार का इकरार कर ही दे। नहीं पूजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड्डी, तेरे प्यार का पौधा सूख रहा है, जा पानी दे उसे। सॉरी, वो क्या ना, वो मेरा पैर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा दुपट्टा ये। I'm sorry गुड्डी, तुम्हारा ये दुपट्टा। It's all right. फूल अच्छा है ना अनिकेत? ये जो फूल है ना। हाँ? वो क्या? मेरी गार्डन का है। हाँ। अच्छा, यू सी माय गार्डन ना? No. Big beautiful. Very good. माली भी नहीं है। अच्छा। अरे वो माली की बच्ची, फूल छोड़, अपनी बात कर अपनी। अनिकेत मैं वो मुझे तुमसे कुछ कहना है तो कहो ना। क्या कहूँ? बोल। तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की नोट्स है ना? हाँ है ना, वो मुझे चाहिए तो लो ना। हेलो, और कुछ नहीं थैंक्स, बाय बाय। सॉरी पूजा, जब वो सामने होता है ना तो जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरा दिल है ना वो आके बिल्कुल मेरे गले में अटक जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बात कैसे करूंगी। चलो शुक्र है 3 साल में लड़की न सही लड़की का दुपट्टा तो तेरे हाथों में आ गया। अबे 3 साल में लोग 300 लड़कियां पटा लेते हैं और एक तू है। अनिकेत, जब तू गुड्डी को इतना ही चाहता है तो उसे कह क्यों नहीं देता तू उससे प्यार करता है? इसलिए कि ये प्यार एक तरफा है, सिर्फ मेरी तरफ से, और मैं अपनी हैसियत जानता हूं। तू भी तो जानता है वो कितनी अमीर है। लेकिन तेरे हालात हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे। अरे एक दिन तू भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा और फिर रुपया पैसा ही तो जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। सब कुछ तो नहीं होता मगर बहुत कुछ होता है। उस चांद को देख दोस्त, उसे दूर एक फासले से सिर्फ देखा जा सकता है मगर अपने आंगन में उतारा नहीं जा सकता। कभी गुड्डी को ऐसे ही दिली दिल में प्यार करके खुश रह लूंगा। अरे अशरफ, उस दिन तू गायब हो गया था ना, आज मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे पीकर तू उड़ भी सकता है। सुभाष, ये लो तुम्हारी किताब। ए पूजा, कब तक तुम लोग यूं ही छुप छुप कर एक दूसरे को किताबों में लव लेटर देते रहोगे? तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे हम लोग तो शादी कर लेंगे, तू अपनी सोच, तू कब शादी करेगा? अरे शादी तो कल कर लूं यार, लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दिल। क्या हुआ? बज गई क्या? दिल की घंटी यार, क्या लड़की है यार, इसे तो करीब से छू कर देखने को जी जाता है। जूते खाने का इरादा है? जिंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई है, अगर उसे छूकर नहीं देख सका तो अपना डॉक्टर पिलंकर किस दिन काम आएगा? डॉक्टर पिलंकर से कैसी रिपोर्ट? बॉडी चेकअप की। आजकल नई नई किस्म की बीमारियां निकली है ना, इसीलिए हमारे कॉलेज का रूल है कि हर नए स्टूडेंट की पूरी तरह से बॉडी चेकअप की जाए। इसके बिना तुम्हें क्लासरूम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये डॉक्टर पिलंकर मिलेंगे कहाँ? यस, न्यू एडमिशन मेडिकल चेकअप सर। सिट डाउन। कहाँ से आई हो? गोवा से। गोवा। नाम? अनीता। माँ बाप? माँ बाप नहीं है सर, एक भाई है, इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? देखा जाए। कौन सी क्लास में हो? बीकॉम फाइनल, ए डिवीजन। ए डिवीजन, वेरी गुड। इसका मतलब अपनी क्लास में। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? चेकअप कर रहा हूँ। देखिए, आप ये भूल जाइए कि आप एक लड़की, यू आर जस्ट अ पेशेंट फॉर मी एंड आई एम जस्ट अ डॉक्टर। चलिए कमीज ऊपर कीजिए। जी? देखो अनीता, अगर तुम कमीज ऊपर नहीं करोगी तो चेकअप कैसे होगा? हाँ, चलो कमीज ऊपर करो। बी अ गुड गर्ल। अब लेटो। जी। वेरी गुड। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। इसे तो करीब से देखूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दिल क्या सही जगह पर है। डॉक्टर साहब, गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या करूं। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अब तुम अपनी कमीज पहनो और जाओ यहां से। मगर डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट? रिपोर्ट? रिपोर्ट इज एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। क्या ख्याल रखा है आपने अपनी फिगर का, अब मेरा मतलब है स्वास्थ्य का। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट और प्रोफेसर को दे देना। रिपोर्ट? कैसे रिपोर्ट? डॉक्टर पिलंकर की रिपोर्ट सर। डॉक्टर पिलंकर की रिपोर्ट? आईज ब्यूटीफुल, लिप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिगर मार्वेलस, सीने के पास एक खूबसूरत दिल है। ये क्या है? ये क्या कह रहा है सुभाष? अचानक गुड्डी की तबीयत खराब हो गई? हाँ निकेत, कॉलेज के सारे दोस्तों से मिला है, तू भी जाके एक बार मिला। वो नहीं आएगा, वो जरूर आएगा, मगर जो सोचा है ना वो कह देना, वरना कुंवारी ही मर जाएगी। लगता है वो आ गया। चलो चलिस ले जा तू। लेकिन पूजा, अरे डर मत, और ये मौका हाथ से मत जाने देना, वरना तेरा खून कर दूंगी मैं। करके अनिकेत को तूने यहाँ बुलाया होगा। क्या बकवास करती है, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अनिकेत आ गया। पूजा, अरे मोहब्बत के दुश्मनों, तुम लोग समझते क्यों नहीं? गुड्डी को अनिकेत से कुछ कहना है, चलो जल्दी छुप जाओ। बैठे रहो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम वहां मत बैठो, वो टेबल टूटा हुआ है। तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ मत पूछो अनिकेत, न रातों को नींद आती है, न दिन को चैन मिलता है। बस हर पल किसी की याद सताती रहती है। अजीब बीमारी है। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अगर 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 और अगर मैं वक्त पर दवा लिया करूँ तो लिया करो ना। लेती क्यों नहीं? कहाँ दो? कब्र में। जी नहीं, वहाँ। तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब हमेशा वक्त पर दवा लिया करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये लो दवा। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? वहाँ कुछ और नहीं मिला क्या? पानी? पानी पानी चाहिए? अनिकेत, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? हा? और फिर तुम्हारी तबीयत खराब है ना। टेबल, ये टेबल कहाँ गया? टेबल? कौन सा टेबल? कौन सा टेबल? अरे एक टेबल था ना, वो टूटा हुआ, जिसपे दवा रखी थी मैंने। दवा? दवा तो मेरे पास है। ये लो पानी। अब चलो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखना। अरे अनीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो आदमी मेरा पर्स लेकर भाग गया, उसमें मेरे फीस के पैसे थे। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कहाँ गया वो? ऊपर। ए चोर, बाहर निकल। बाहर निकल, नहीं तो बहुत मारूंगा। मैडम आप? आदर्श, तुमने गर्ल्स हॉस्टल में आने की हिम्मत कैसे की? एक चोर अनीता का पर्स लेकर भाग गया था, मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। अनीता जी? मैडम, क्या कोई चोर तुम्हारा पर्स लेकर भागा? किस चोर की बात कर रही हैं आप? मेरा पर्स तो मेरे पास है। आदर्श, तुम यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में? क्या? मारो इसको। अनीता, एक अदा है तुमने, मैं तुम पर मर मिटा हूं। प्यार करोगी मुझसे? प्यार? और तुमसे? देखो आदर्श, एक दिन डॉक्टर बनकर तुमने मुझसे मजाक किया था, उसका बदला मैंने ले लिया। हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ मैडम, तुमको देखते ये जो मेरा दिल है ना वो कहीं खो गया है, बताओगी कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, तुम ढूंढो, मुझे घर जाना है। देखो, अगर तुमने मुझे मेरे दिल के बारे में नहीं बताया तो मैं सीधा तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मेरे भैया भी इंस्पेक्टर हैं, ठीक कर देंगे वो तुम्हें। अनिता, इस्त्री कर दी मेरे कपड़ों को? बस कर रही हूँ भैया। जल्दी से नाश्ता भी लगा, ड्यूटी पर जाना है। नाश्ता तैयार है, पहले आप नहा तो लीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आए हो? कंप्लेन लिखाने आया हूँ। तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर है ना, मेरा दिल खो गया है। आदर्श, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तुम जानते हो घर में साबुन कहाँ है? अरे अंदर पड़ा होगा, ले लेना। साबुन कहाँ है? अनिता। जी भैया। मैं पूछ रहा हूँ साबुन कहाँ है? वही बाथरूम में होगा भैया। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। देखो आदर्श, आदर्श कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? ये नाश्ता तो भैया का है, उठो जाओ यहाँ से। जाता हूँ, पहले ये तो बताओ कि मेरा दिल खोया कहाँ है? ठीक है, बैठे रहो, भैया को बाहर आने दो फिर देखो। अरे बाहर आने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही अंदर चला जाता हूँ। वैसे भी मैं आज नहाया नहीं, सोच रहा हूँ कि उन्हीं के साथ नहा लूं। अनिता, टॉवल रखना फिर भूल गई। आदर्श, देखो भैया नहा चुके हैं, अभी बाहर आएंगे, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले ये तो बताओ कि मेरा दिल खोया कहाँ है? कल बताऊंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता। चक्कर भी चल ही गया। एक तेरी लव स्टोरी जिसका कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो डर है कहीं तो कुंवारी और अनिकेत ब्रह्मचारी ना मर जाए। मैं क्या करूं पूजा? मैं जब भी उसे कुछ कहने जाती हूँ बस बैल की तरह गर्दन हिला के चला जाता है, कुछ समझता ही नहीं। आखिर प्यार से बढ़कर उसकी जिंदगी में और क्या है? सुभाष, आज तूने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं कभी किसी को नहीं दे सकता था, मगर तुझे जरूर दूंगा क्योंकि तू मेरा सबसे अजीज दोस्त है। बाबूजी से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं। क्या बात कर रहा है अनिकेत? आदर्श तेरा सगा भाई नहीं है? नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूं। दुनिया के हर किसान की किस्मत हमेशा दो मुसीबतों से लड़ती रहती है, सूखा और बाढ़। उस साल बाढ़ ने मेरे बाबूजी को हरा दिया, सारा गांव बह गया। काम की तलाश में मेरे बाबूजी शहर आ गए। यहाँ पर या तो वो काम की तलाश करते थे या बीमार रहते थे, शायद बीमार ज्यादा रहते थे वो। एक दिन काम की तरह जान भी उनका साथ छोड़कर चली गई। मैं सड़क पर ही अनाथ हो गया। कई दिनों से भूखा था, खुददार किसान का बेटा था ना, अनाज की भीख न मांग सका और भूख से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हजारों की भीड़ में सिर्फ एक रहमदिल मजदूर था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्चा भूख के मारे रास्ते पर बेहोश पड़ा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बेटा, तेरा क्या नाम है रे? मुझे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत का क्या मतलब होता है जी? अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई अपना नहीं होता, जिसके सर पर कोई छत नहीं होती, उसे अनिकेत कहते हैं। बेटा, आज तो सिर्फ नाम का अनिकेत होगा। तेरे सर पर छत होगी, तू हमारे साथ रहेगा। लेकिन आदर्श के साथ साथ तुम्हें भी स्कूल जाना होगा, पढ़ना होगा। लो जी, फिर बीच में आपकी पढ़ाई आ गई। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हर महीने आप इतनी किताबें क्यों खरीदते हैं। इसलिए भारती कि जिंदगी की सारी रोशनी इन्हीं काले अक्षरों में छुपी हुई है। लाखों सिपाहियों की तलवारों ने जो काम नहीं किया वो काम इन किताबों ने किया है। और फिर हम गरीब हमारे बच्चों को यही तो एक हथियार दे सकते हैं जिससे वो इस गले सड़े समाज से लड़ सके, जिंदगी में आगे चलकर कुछ तरक्की कर सके। मगर बाबूजी, मैं पढ़ूंगा कैसे? मेरे पास ना किताब है ना बस्ता। मगर मेरे पास तो है, इससे दिन के स्कूल में मैं पढ़ूंगा और रात के स्कूल में तू। ये ले। बस्ता तो हमने बांट लिया, मगर इम्तिहान के वक्त किताब एक थी और पढ़ने वाले दो। ये क्या किया तुम दोनों ने? किताब क्यों फाड़ दी? उन्होंने किताब नहीं फाड़ी भारती, अपनी गरीबी बांट ली। माँ, कल इम्तिहान है ना, आधी किताब अनिकेत पढ़ेगा, आधी किताब मैं, फिर बदल लेंगे। और फिर किताबों की तरह हमने अपने सारे सुख दुख बांट लिए। आदर्श ने मुझे भाई से बढ़कर प्यार दिया। माँ की ममता और बाबूजी के प्यार ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस परिवार का बेटा नहीं हूं। अब तो ही सोच सुभाष, उस घर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। उस परिवार की सेवा के लिए ये जिंदगी भी बहुत कम लगती है मुझे यार। अरे अनिकेत, तेरा नौकरी का वक्त हो गया और तू अभी तक गया नहीं। ऐसे कैसे चला जाता? इतने सालों से शाम की चाय हम लोग एक साथ पीते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई। आ गए आप? फिर किताबें ले आए। लाइए, तनख्वाह के बाकी रुपए मुझे दीजिए, वरना उसकी भी किताबें ले आएंगे आप। ये रही तनख्वाह और ये रहे 3 अलग अलग नोट। आज मैं तुम्हें फिर मौका देता हूं, उठाओ अपनी पसंद का नोट। अरे माँ तू कब समझेगी? नोटों की कीमत रंगों से नहीं नंबरों से पहचानी जाती। तू हमेशा छोटा नोट उठाकर अपना नुकसान क्यों करती? मैं जो नोट उठाती हूँ ना बेटा, वो सबसे बड़ा नोट होता है। वो कैसे? पिछले 20 वर्षों से ये खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सबसे छोटा नोट उठाती हूँ। अगर सबसे बड़ा नोट उठा लेती तो ये खेल उसी वक्त खत्म हो जाता और मुझे ये नोट न मिलता। अब 20 के लालच में मैं 5 का नोट क्यों गवा दूं? पिछले 20 साल से मुझे हमेशा 5 रुपए तो मिले हैं ना। माँ तू तो हम सबसे ज्यादा होशियार निकली। लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और मैं तुझे 5 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा। आप उदास क्यों होते हैं बाबूजी? 6 महीने बाद मुझे डिग्री भी मिल जाएगी। इधर आप रिटायर हो जाएंगे और उधर मैं नौकरी पर लग जाऊंगा। घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा बाबूजी। मुझे अनिकेत की फिक्र है आदर्श। बस मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, वो विदेश से इंजीनियर बनकर आए, नए विचार लाए और एक ऐसी फैक्ट्री बनाए जहां सिर्फ मालिकों का ही नहीं बल्कि मजदूरों का भी भला हो। बेटा क्या बताऊं, मशीन पर काम करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे खून जलकर पसीना बन रहा हो। बाबूजी बहुत काम कर लिया आपने। अनिकेत विदेश पढ़ने जरूर जाएगा, काम मैं करूंगा। बाबूजी मैं एक मजदूर का बेटा हूं और आपसे वादा करता हूं कि जहां भी काम करूंगा मजदूरों के हक का ख्याल हमेशा रखूंगा। भैया आप अक्सर इस बस्ती को देखकर किस सोच में पड़ जाते हैं? सोचता हूं इतना कीमती हीरा इस तरह कीचड़ में क्यों पड़ा हुआ है। हीरा? कीचड़? मैं तो समझा नहीं। शहर के बीच करोड़ों रुपए की हमारी इस जायदाद पर मजदूरों के झोपड़े नहीं, अमीरों के लिए आसमान को छूते हुई बिल्डिंग्स बननी चाहिए। एक काम करो, इंस्पेक्टर पठारे से कहो कि मैंने याद किया है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साबरा सेठ, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। जानता हूं, इसलिए मैंने दलवी को बुलाया है। पॉलिटिशियन है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। आइए दलवी साहब आइए, कुछ सोचा मेरे प्रॉब्लम के बारे में? देखो अपोजिशन लीडर होने के नाते कॉलोनी का प्लान तो गवर्नमेंट से मैं पास करा लूंगा। रही बात मजदूरों की, तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं करने का। तुम मजदूरों को निकालो और उनका यूनियन लीडर है ना डॉक्टर दयाल, उसको 25-50 हजार रुपए दे दो, वो मजदूरों को संभालेगा। 50 हजार? अरे तक भीख दे रहे हमको। अरे इस काम का कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए हमें। डॉक्टर दयाल तुम्हें मालूम है तुम कितनी बड़ी रकम मांग रहे हो? जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप धीरे धीरे मजदूरों को निकालकर फैक्ट्री के करीब वाली जमीन, जहां पर उन मजदूरों की बस्ती हथियाना चाहते हैं, ताकि वहां पर एक शानदार कॉलोनी बना सके। बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं। करोड़ों का फायदा आपको होगा, चंद लाख हमें भी तो मिलना चाहिए। डॉक्टर दयाल आप हद से ज्यादा बढ़ा से नाराज क्यों होता है? मजदूरों के अलावा हर आदमी जानता है कि यह कितना कमीना इंसान है। मजदूर तो इसे देवता मानते हैं और ये अपने फायदे के लिए मजदूरों को ही बेचता है। हाँ दलवी, मगर कमीनेपन में हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। अरे हम तो सिर्फ मजदूरों को बेचते हैं, तुम तो साले सारे देश को बेचते हो। साबरा सेठ 50 लाख अगर मंजूर हो तो हमें बुला लेना, वरना आप जानते हैं कि 50 हजार मजदूर हमारे पीछे हैं, हम आग लगा सकते हैं। साबरा इसे 50 लाख देने से अच्छा है तू 5 लाख रुपए बाबा नायक को दे दे, वो इसका किस्सा ही खत्म कर देगा। डॉक्टर दयाल, काबरा सेठ ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो हम हड़ताल किस बात पर करें? कैसी बात करते हो भाई, पिछले 7 साल से हमारे साथ काम कर रहे हो ना? हाँ, अब तुमको हड़ताल कैसे करना है इसकी वजह भी मैं बताऊं तुमको। बाबा नायक, बाबा नायक, यूनियन लीडर को अगर कुछ हो जाए तो मजदूर लोग आग लगा देते हैं। मेरे पीछे 50,000 मजदूर हैं और तेरे आगे मौत। आज मैं ये फैसला करके आया हूं कि तेरा अकाउंट बंद कर दूंगा। यूनियन लीडर के मरने से मजदूर तो जरूर भड़केंगे। भड़कने दो, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करता है? फिक्र नहीं, मैं इस बात का फायदा उठाने की सोच रहा हूं। आग में और तेल डालो, मजदूरों को इतना भड़काओ कि वो मेरी फैक्ट्री में आग लगा दें। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा क्या होगा? मजदूर को रोकने के लिए पुलिस आएगी। तुम्हारे आदमी जो मजदूर के लिबास में होंगे पुलिस का विरोध करेंगे, मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी और इस फायरिंग में बहुत से मजदूर मारे जाएंगे। कायदे कानून के हिसाब से तो ठीक है, मगर शेठ जी, मुझे इस काम के पैसे नहीं चाहिए। बस्ती में आप जो कॉलोनी बनाएंगे उसमें एक फ्लैट दे देना, टेरेस फ्लैट। वो तो तेरे को मिल जाएगा, मगर सेठ, मजदूरों के मरने के बाद उनके घर वाले बस्ती खाली करके नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूं हिंदू मुस्लिम फसाद करा के सारी बस्ती को आग लगा देंगे। नहीं नहीं बाबा, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारे देश में एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 10। उस एक कमाने वाले आदमी को मार दो तो बाकी 10 अपने आप मर जाएंगे भूख से। कोई काम नहीं होगा तो कितने दिन इस महंगे शहर में रह सकेंगे? तंग आकर थक कर अपने अपने गाँव चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाने मैं खुद जाऊंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना मजबूरन मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। चलाओ गोली, मगर आज तुम पुलिस वाले इन गरीब मजदूरों को रोक नहीं सकते। इनके नेता का मर्डर हुआ है और वो मर्डर इस फैक्ट्री के मालिक ने करवाया है। आज हम राख कर देंगे इस फैक्ट्री को। आलीशान बंगले से सड़क पर ले आएंगे साबरा सेठ को। इस फैक्ट्री को आग लगा रहे तुम लोग, जो तुम लोगों के बच्चों के पेट की आग बुझाती है। क्या मिलेगा इसे जलाकर? बदला पूरा हो जाएगा तुम लोगों का। अरे आज जो आधी रोटी तुम लोगों को नसीब हो रही है ना, उससे भी तरस जाओगे तुम लोग। कौन आग लगाना चाहता है इस फैक्ट्री को? तू कौन होता है पूछने वाला? मैं आग लगाना चाहता हूं। तो तुम सब इसके बहकावे में आकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाह रहे थे। जानते हो ये कौन है? ये क्या शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं, मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। मैं किसी गरीब पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं गुंडा हूं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। अबे तू पागल है क्या? मेरे को जानता भी है और मेरे से ऐसी बात करता है? बाबा नायक के अक्का लाइफ में पहली टाइम किसी ने ऐसी बात की है। वापस चला जा नायक, नहीं तो आज पहला टाइम तेरा दादागिरी भी निकल जाएगा। क्या बोला? अगर इन गरीब मजदूरों को बहकाकर किसी मुसीबत में डाला ना, तो यही इसी सड़क पर मारूंगा तुझे, तमाशा बना दूंगा तेरा। याद रख छोकरे, तूने बाबा नायक का हाथ पकड़ा है। आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा नायक। आजाद देशपांडे, क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ सर, ये जो गुंडा है ना नायक, ये इन मजदूरों को भड़काकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाहता है सर। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और इंस्पेक्टर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये सब गरीब लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए और तुम्हें गोलियां चलाने का मौका मिल जाए, यही ना? नहीं सर। शट अप, मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। वाकई तुमने अपने नाम जैसा काम किया है बेटे। क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, इम्तिहान दिया है, रिजल्ट आने वाला है। तुम जरूर पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नंदू। यस सर। इस लड़के पर नजर रखना, हिम्मत वाला है, किसी दिन हमारे काम आएगा। अरे अनिकेत, तुम्हें रिजल्ट देखने की क्या जरूरत है? तुम कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो। सच? हाँ। और आदर्श? वो भी पास हो गया, हम सब पास हो गए। मगर वो है कहाँ? आदर्श। आदर्श अनीता के साथ है, पास होने की खुशी मना रहा है। लग जा तू गले तड़पाना। ये कैसा असर है, ये क्या बेखुदी है, चिंगारी कोई बदन में दबी है। यादों में तू, 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 तुम ही मेरे सरोया है, तूने दिल मेरा छुपाया है। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। तुझे अपना बनाया है, तूने दिल मेरा चुराया है। देख रहे हैं रोहित साहब, नौकरी 1 और एप्लीकेशन 1000। अब आप ही बताइए किसे दे नौकरी। सबसे बड़ी सिफारिश जिसके पास हो उसे दे दो नौकरी। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदर्श, रोहित जी भैया। एक काम करो, इस लड़के को बुलाओ, ये नौकरी मैं इसे देना चाहता हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। नहीं आदर्श, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे जैसा लायक नौजवान ही इस नौकरी का असली हकदार है। और फिर तुम्हारी वजह से उस रोज मेरी फैक्ट्री जलने से बच गई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो और कल से काम पर आ जाना। ये लीजिए सर। आदर्श, ये क्या किया, कागजात पढ़े बिना ही दस्तखत कर दिए। मेरे पास कौन सी जागीर है सर जो आप अपने नाम लिखवा लेंगे। और फिर मेरे बाबूजी ने आपकी फैक्ट्री में 20 साल काम किया है, आप अपने पुराने मजदूर के बेटे के साथ धोखा थोड़ी करेंगे। तुझे नौकरी मिल गई। हाँ हाँ माँ, और वो भी मैनेजर की। और जानती हो कहाँ माँ, उसी फैक्ट्री में जहाँ बाबूजी काम करते हैं। आपने सुना जी? जानता हूँ, मुझे सब पता चला है। मैं भी तुम लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ, और वो भी एक नहीं दो। दो? हाँ, हमारे अनिकेत को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब अनिकेत लंदन जाएगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अनिकेत, ये रहे तुम्हारे स्कॉलरशिप के पेपर्स। बस अब लंदन जाने के लिए सिर्फ किराए का तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी वहां का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और अब बारी है उस खुशखबरी की जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारती, तुम मुझे क्या समझती थी? समाज में मेरी कोई भी इज्जत नहीं। पढ़ो पढ़ो, ये लेटर पढ़ो। तुम कैसे पढ़ोगी? जानती हो ये लेटर किसने भेजा है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति ने भेजा है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? 26 जनवरी को मुझे दिल्ली बुलाया गया है गोल्ड मेडल लेने के लिए। सारे देश में इस साल का बेस्ट वर्कर चुना गया हूं मैं। और जानते हो ये गोल्ड मेडल मुझे कौन देगा? खुद राष्ट्रपति जी। और क्या देंगे? और एक सर्टिफिकेट देंगे, और एक शॉल देंगे, और क्या कर रही है? और क्या चाहिए? कुछ पैसे वगैरह नहीं देंगे जी? सुना है दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, और आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। दिल्ली बहुत दूर है, वहां जाने के लिए किराए के पैसे हैं आपके पास? भारती, मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलने वाले हैं। मैं उन्हीं पैसों से एक बुलंद जोधपुरी सूट सिलवाऊंगा और फिर शान से दिल्ली जाऊंगा गोल्ड मेडल लेने के लिए। क्या है ये? इन कागजात पर हम सब मजदूरों ने दस्तखत कर दिए हैं। आज से तुम्हारा बेटा आदर्श हमारा यूनियन लीडर होगा। उसका हर फैसला हमें मंजूर होगा। ये कागजात लाकर उसे दे देना। आदर्श, तुम आज इतने बुझे-बुझे से क्यों हो? अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई है। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत लंदन जा रहा है, 1 साल के लिए। बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए। पता नहीं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना। मगर जिस दिन वो लौट के आएगा, उसे गले लगाते हुए तुम्हें कितनी खुशी होगी, जानते हो? हाँ, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां उसे दे दे, सारे सपने पूरे करे उसके। आदर्श, मेरे ख्याल में हमारे देश की हर फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए, मालिक और मजदूर साथ साथ काम करें, एक साथ रहें। मॉडल तो बहुत अच्छा है, मगर तेरे लंदन जाने के किराए का इंतजाम हुआ? पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मगर 10,000 रुपए की रकम जमा करना नामुमकिन लगता है। सोचता हूं कल जाकर स्कॉलरशिप वापस लौटा दूं। कम से कम मेरी जगह कोई और तो चला जाएगा। तुम्हारे बाबूजी भी अजीब इंसान है। कल तक कह रहे थे दिल्ली जाऊंगा, आज कह रहे नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे जो बाबूजी? अरे भाई, लोग कहते हैं कि वहां पर ठंड बड़ी जबरदस्त होती है और मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैंने मेरे दिल्ली जाने का इरादा बदल दिया है। अरे हाँ, एक काम कर, अब ये रुपए तो मेरे काम के रहे नहीं, इसे तू रख ले। अब मैं समझा कि आपने अचानक दिल्ली जाने का इरादा क्यों बदल दिया, मगर बाबूजी, मैं ये रुपए नहीं रख सकता। अनिकेत, मैं जानता हूं तू बहुत खुददार है। इस छत के नीचे रहने के बावजूद भी आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया, लेकिन क्या मेरा तुझ पर कोई भी हक नहीं? हक है बाबूजी, मगर ये आपका प्रोविडेंट फंड है, इन रुपयों से आप दिल्ली जाएंगे, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। अरे पगले, वो गोल्ड मेडल तो मुझे अपने गुजरे हुए कल के लिए मिलने वाला है, लेकिन तू तो मेरा आने वाला कल है। मैं अपने गुजरे हुए कल के लिए अपने आने वाले कल को कैसे बर्बाद करूं? देख बेटे, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मगर तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है, और फिर इंसान को इसका पता होना चाहिए कि आसमान के किस हिस्से से सूरज निकलने वाला है। बेटा, तू तो हमारा सूरज है, हमारी उम्मीद, हमारा सपना है। और बेटा, एक बाप के लिए इससे बड़ा गोल्ड मेडल और क्या होगा कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। तू मेरा यह सपना पूरा नहीं करेगा। क्या अनिकेत लंदन जा रहा है? हाँ, पूरे 1 साल के लिए पढ़ने जा रहा है। मुझे तो डर है कहीं वापस आते हुए वो किसी मेम को अपने साथ ना ले आए। नहीं नहीं, अनिकेत ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कर नहीं सकता, मगर हाँ कर भी सकता है, क्योंकि यहां कौन है उसका इंतजार करने वाला। हाँ, अगर कोई लड़की उससे प्यार करती, उसका इंतजार करती, तो फिर बात कुछ और होती, मगर अनिकेत का किसी लड़की के साथ चक्कर चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की को कहे कि आई लव यू। हाँ, अगर कोई लड़की अपने मुंह से प्यार का इकरार करे तो बात शायद बन सकती है, लेकिन कोई लड़की अपने मुंह से प्यार का इकरार कैसे कर सकती है ना? हाँ, ये भी सही है। कोई लड़की अपने मुंह से अपने प्यार का इकरार कैसे कर सकती है? लेकिन खत लिख के अपने दिल की बात तो बता सकती है। अरे नहीं नहीं यार, मैं उससे अपने प्यार का इजहार विजहार नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता था तू उससे कभी नहीं कह पाएगा, इसलिए मैं ये पैड और पेन लाया हूं। तू इस कागज पर गुड्डी के लिए अपने प्यार का पैगाम लिख दे। अनिकेत, हाँ? क्या देख रहा है? इस घर की तरफ देख रहा हूं बाबूजी, जिसने मुझे क्या क्या नहीं दिया, आप सबका प्यार दिया। लोगों ने तो मेरा नाम अनिकेत रखा, मगर आपने मेरे नाम का मतलब ही बदल दिया। अगर उस दिन आपने एक अनाथ बच्चे की उंगली न थामी होती तो निराले इस दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया होता मैं। समझ में नहीं आता आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। बाप बेटे के रिश्ते में कभी एहसान नाम का शब्द होता है क्या? फिर भी ये सब कुछ तेरी नजरों में एहसान है तो उसे चुकाने का एक रास्ता है। कहिए ना बाबूजी, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बेटे बाप को कंधा दिया करते हैं, बस वो दे देना। अरे मेरी सारी उम्र लग जाए आपको, कैसी बातें करते हैं आप। तेरे बिना मन नहीं लगेगा बेटे, जल्दी लौट आ। अनिकेत, अरे जल्दी चल, प्लेन का टाइम हो गया। प्रणाम। आदर्श कहाँ चला गया? मैं देख कर आती हूँ। क्या कर गया कि चाय पी कर आता हूँ? इतनी देर से चाय पी रहा है क्या? ये सुभाष, सिगरेट है तेरे पास? सिगरेट नहीं यार। अनिकेत, मैं जरा सिगरेट लेकर आता हूँ। हाँ ये तू जरा कम कर, जरा कम कर। ये इतनी सिगरेट पिएगा तो देश के लिए दौड़ेगा कैसे यार। अच्छा अनिकेत, मैं जरा टॉयलेट जाकर। हाँ जा। ये सुन सुभाष, ये तुम लोग एक करके भाग क्यों रहे हो मेरे पास से? यार अनिकेत, कुछ समझा करना। जाने देना। क्यों? वरना वो आदर्श हमारी धुलाई कर देगा। वो बाहर इंतजार कर रहा हमारा। मगर वो बाहर क्यों इंतजार कर रहा है तुम लोगों का? इसलिए कि उसने तुझसे मिलने के लिए गुड्डी को यहाँ पर बोला। वो देखो आ रही है। आज तू अपने दिल की बात उससे जरूर कह देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस सुभाष, बाहर आदर्श को मेरी तरफ से या। हाय। हेलो गुड्डी, मुझे आज ही पता चला कि तुम कल लंदन जा रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे कल ही पता चला कि तुम आज लंदन जा रहे हो। लेकिन तुम अकेले, तुम्हें छोड़ने के लिए कोई नहीं है? हाँ आए थे, सब आए थे, तुम्हें देख के गायब हो गए। अनिकेत, कहीं तुम लंदन जाके हम दोस्तों को भूल तो नहीं जाओगी? कैसी बातें करती हो बेटी, परदेश जाकर तो अपनों की और भी याद आती है। हाँ, ये फूल तुम्हारे लिए। बहुत ही खूबसूरत है ये किताब तुम्हारे लिए। Your attention please. This is the last and final call for passengers traveling to London on flight AIA 112. Please proceed for security check. Thank you. गुड्डी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बरसों से। लेकिन ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं कह पाई। आई लव यू गुड्डी। आई लव यू अनिकेत। आई लव पहन रही हो? तुम्हें पहनने के लिए नहीं, हैट्रिक के लिए दे रही हूँ। हमें इन मजदूरों की इस एकता को तोड़ना होगा। अगर एक बार उन्हें अपनी इस ताकत का अंदाजा हो गया ना, तो हम सब के सब मारे जाएंगे। फिर फैक्ट्रियां तो होंगी, मगर हमारी नहीं, सिर्फ मजदूरों की। आप लोग फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बगावत को आंदोलन बनने से पहले ही कुचल दूंगा। कौन है प्रधान? मेरी फैक्ट्री में काम करता था, तुम उसके बेटे को अच्छी तरह जानते हो, आदर्श। आदर्श? अच्छा, तो ये प्रधान उस छोकरे का बाप है। बेटे की तरह बाप भी गरीबों की तरफदारी में बहुत बोलता है। हाँ, फिक्र मत करो, एक आधा पेटी पटारे को दे देना और जाके आराम से सो जाओ। उस दिन जाग जाना जिस दिन मजदूर लोग अपनी फैक्ट्री का भूमि पूजन करेंगे। ओम गजानन भूत गणाद श्वेतम कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। ओम गजानन भूत गणाद श्वेतम कपित जम्बू फल चार भक्षणम। हाथ को पकड़ा था ना तूने? छोड़ दे मेरे बेटे को। अच्छा, तो तू है इस फैक्ट्री का मालिक। चल साइन कर कि तूने ये जमीन मेरे को बेची है। कर। नहीं, अब ये जमीन मेरी नहीं है, इन मजदूरों की है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाहते हैं। देखिए मेरे बेटे का क्या हाल बना के रखा है। चल साइन कर, नहीं तो आज तेरे बेटे का अकाउंट बंद कर दूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। ये अंगूठा ले इसका। इंस्पेक्टर, ले जाके इसे बंद कर दो और कल तक इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे? अरे नहीं चलूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बाबा नायक, तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा तुझे बाबा, देख लूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा बाबा। इसका घर खाली कर दो, आज इसका अकाउंट बंद। इतना तो मार चुके हो, इन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। सांप को आधा मार के छोड़ दो तो वो और खतरनाक हो जाता है। बस्ती वालों, अगर किसी ने इसकी हत्या को खाना दिया या चिता को लकड़ी दी तो उसके परिवार का भी यही हाल करूंगा, याद रखना। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। आज मैं तुझे बताऊंगा कि कानून का कौन सा दफा कितनी दफा लगता है। पुलिस वाले के मुंह लगता था ना तू? कुत्ते के बच्चे, तू पुलिस वाला नहीं जो कानून को बनाकर गुंडों के हाथों में बेचता है। और जोर से मारो हरामजादे को। मैं उसकी मुंह से चीखें सुनना चाहता हूं। मारो। इतना मार खाने के बाद भी तू चीखता क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अगर मैं बच गया ना तो तू नहीं बचेगा। फेंक दो कुत्ते को बस्ती में। लाखों सिपाहियों की तलवारों ने जो काम नहीं किया वो काम इन किताबों ने किया है, और फिर हम गरीब हमारे बच्चों को यही तो एक हथियार दे सकते हैं। क्या चाहिए? बोल। मैंने तुझसे कहा था ना पाठारे, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा। तू नहीं छोड़ूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे बाबा नायक, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बाबा नायक, छोड़ूंगा नहीं। ये लॉकअप खाली क्यों है? कहाँ गया वो कमीना आदर्श? उसकी जमानत हो गई सर। जमानत? किसने दी उसकी जमानत? मैंने। मैं आज ही दिल्ली से लौटा। कानून को अपने हाथों में लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर आज मैं तुम्हारी जमानत नहीं करवाता तो कल पुलिस तुम्हें कोर्ट में पेश करती और तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ती। तुम्हारी माँ का क्या होता, ये सोचा तुमने? खैर, मेरे भी वही दुश्मन है जो तुम्हारे हैं, मगर मैं मिनिस्टर होते हुए भी उन्हें खत्म नहीं कर सका, क्योंकि बाबा और साबरा के सर पर दलवी का हाथ है। मगर हाँ, नेता होने का एक फायदा है। सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सड़क बनाने से पुल बनाने तक, मैं जिसे चाहूं दे सकता। आज तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बाहर देता रहा। आज से वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं तुम्हें दूंगा। जो भी फायदा होगा उसमें हम दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। देखो, इन बाजुओं की ताकत से तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पहले उनके बराबर हो जाओ आदर्श, दौलत कमाओ, फिर बदला लेना, क्योंकि जोश से तुम सिर्फ लड़ाई जीत सकते हो, जंग नहीं। साला तेरे बाप का राज चलता है क्या इधर? साला रूलिंग पार्टी में, इसका मतलब मुंह में जो आएगा बकेगा तू। अरे इन लोगों को अकेला मत समझ, इनके पीछे मैं हूं मैं। जा, तेरे को और इस छोकरे को जो करना है ना कर ले, मैं भी देखता हूं क्या बिगाड़ लेगा तू इनका। क्या बिगाड़ लूंगा? बहुत सी फाइलें ओपन करवा दूंगा। साबरा की फैक्ट्री के यूनियन लीडर का मर्डर हुआ था ना, वो पुलिस को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है। वो खून किसने किया था और किसने करवाया था। और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो ओपन हो जाएंगे। और एक बात याद रखना साबरा, एक बार तेरी फाइल ओपन हो गई ना तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। आप लोग यही चाहते हैं ना, जिन मजदूरों को मैंने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया है उन्हें वापस रख लूंगा। ठीक है, तो इस बात की जमानत मैं देता हूं कि आज के बाद आदर्श से तुम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है बाबा? अबे ओ मंत्री, तेरे को जो धमकी देना है ना, इन सेठ लोगों को देना, मेरे जैसे गुंडे को नहीं, समझा? ए, तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, मुझसे बड़ा गुंडा नहीं हो सकता, याद रखना। चलो आदर्श। आज इस छोकरे को छोड़कर हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जानता हूं, लेकिन आदर्श ने इस नेता को अपनी ढाल बना लिया है। अगर वार करेंगे तो अपनी ही तलवार टूट जाएगी। बदल गया तू, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तू घर चल, मैं सब बताता हूँ। अरे आदर्श, ये कहाँ ले आया तू मुझे? अपने घर। ये घर इतना बड़ा घर है, और अपना मिट्टी का घर, उसका क्या हुआ? मिट्टी का थाना टूट गया। चल अंदर। बाबूजी, माँ, बाबूजी। क्या हो गया माँ? कैसे हो गया ये सब? तेरे बाबूजी की सच्चाई उनकी दुश्मन बन गई। गरीबों की भलाई के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वो कुछ अमीरों की आंखों में चुभने लगे। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया अनिकेत, बहुत कुछ हो गया। यहाँ पे इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं मिली। बेटा, कितनी मुश्किलों से तेरे बाबूजी ने तुझे विदेश भेजा था। तू वापस आ जाता तो उनका आखिरी सपना भी टूट जाता। बेटे बाप को कंधा देते हैं, वो दे देना। तुम नहीं जानती माँ, तुमने मुझसे मेरा कितना बड़ा हक छीन लिया। जानती हूँ, इसे तेरा एक हक बचा कर रखा है मैंने। ये तेरे बाबूजी की अस्थियां हैं, इन्हें ले जाकर विसर्जित कर दे। आइए इंजीनियर साहब, ये रहा आपका ऑफिस। संभालिए अपना कारोबार और मेरी छुट्टी कीजिए। थक गया हूं मैं ये कारोबार संभाल के। और हाँ, पहले अपनी गुड्डी को फोन कर ले। हेलो हेलो अनिकेत, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, मगर आज फुर्सत मिली मेरा हाल पूछने की। जब से लंदन गए हो आज पहली बार फोन कर रहे हो। क्या करता, वहाँ फोन के पैसे बहुत लगते हैं ना, और इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा, फिर आज कैसे फोन किया? इसलिए कि फोन में लंदन से नहीं, बॉम्बे से कर रहा हूँ। क्या तुम वापस आ गए? कम हो गई है, इसलिए कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। आज तक मां की फिक्र मुझे जंजीर बनकर जकड़े हुई थी, लेकिन अब मां को संभालने के लिए उसका दूसरा बेटा आ गया है। अब अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे गम नहीं होगा। आदर्श, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? सहारे इंसान को कमजोर बना देते और कमजोरों को यह दुनिया जीने नहीं देती, जैसे मेरे बाबूजी को जीने नहीं दिया। उनकी चिता की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी है वो उस दिन तक जलती रहेगी जब तक मेरे बर्बादी के जिम्मेदार इस दुनिया में सुकून की सांस लेते रहेंगे। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलो, तुम मेरे से मिलने इस पुलिस लॉकअप में क्यों आए हो? रघु, मैं जानता हूं कि तुमने शंकर पांडे का खून अपनी जाति दुश्मनी के लिए किया है और अदालत उसकी सजा तुम्हें देगी। लेकिन तुमने कभी यह सोचा है कि सजा मिलने के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का, तुम्हारी बहन का क्या होगा? मैंने तुम्हारी बीवी को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। मगर ये सब आप मेरे लिए क्यों करना चाहते हैं साहब? मुझे तुम्हारे मुंह से अदालत में एक बयान दिलवाना है। अदालत में तुम्हें यह कहना होगा कि शंकर पांडे का खून करने के लिए तुम्हें बाबा नायक ने कहा था। साहब, शंकर पांडे का खून मैंने किया है और मुझे उसका खून करने का पैसा मिला है। ये पैसे तुम्हें किसने दिए? बाबा नायक ने। झूठ बोलता है हरामजादा। ऑर्डर ऑर्डर, बाबा नायक ये मत भूलो कि तुम इस वक्त अदालत में हो। देखिए जज साहब, मैं कई को कराएगा शंकर पांडे का खून। अगर मेरे को कोई खून करने का है तो मेरे किसी और की क्या जरूरत है? मैं खुद। जज साहब, मेरा मतलब है मैं इसको जानता तक नहीं। इस आदमी को अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। इस केस की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस महीने में ये 5वां खून का इल्जाम लगाया मुझ पर, और वो भी झूठा। अगर इसी तरह से रोज तुम पर खून के इल्जाम लगते रहे तो जज साहब को लगेगा कि तुम्हें भी रंगा और बिल्ला की तरह खून करने का शौक है। समझ में नहीं आ रहा है कौन निकाल रहा है इस तरह दुश्मनी। न जाने आपने ये कैसी कसम खाई है। लाखों रुपए खर्च करके टेंडर दूसरे लोगों के नाम दिलवा रहे हैं। आखिर इस खेल में आपका क्या फायदा है? इसमें मेरा फायदा हो या ना हो, साबरा का नुकसान तो हो रहा है। मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। बर्बाद हो गया। पिछले 6 महीने में ये 7वां टेंडर मेरे हाथ से गया है। बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है। मुझे सरकार में आने दे, हर टेंडर तेरे दफ्तर में खोला करूंगा। तुम्हारी सरकार आते आते मैं खत्म हो जाऊंगा। दलवी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने मार्केट से कितना पैसा उठा रखा है। लोग ये पैसे वापस मांग रहे हैं। मेरी मिल बिकने को है। इसका मतलब बात कुछ सीरियस है यार। नजर वजर उतरवाओ, लगता है कुछ पनौती लगी है। ये पनवती कोई दुश्मन भी हो सकता है। अब पता ये लगाना है कि मुझे बर्बाद करने की किसने कसम खाई है। अरे अनिकेत, तू अभी तक घर नहीं गया? नहीं यार, ओवर टाइम कर रहा हूँ। ओवर टाइम? हाँ, कल छुट्टी है ना। अरे छुट्टी लेके क्या करेगा? गुड्डी को टाइम दिया है क्या? नहीं, उससे तो शाम को मिलूंगा। क्या है, जब से आया हूँ काम पे लगा हुआ हूँ। दोस्तों से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। कल सबसे पहले जाके सुभाष से मिलूंगा। सुना है कि साहब इंस्पेक्टर बन गए हैं। अनिकेत, कब आया तू लंदन से? सुभाष तू शराब पी रहा है और वो भी यहाँ बैठकर? ये कौन सा मंदिर है जो यहाँ मैं शराब नहीं पी सकता? गुनाहों का बहुत बड़ा अड्डा है, भ्रष्टाचार का घर। यहाँ रिश्वत लेकर बड़े बड़े गुनेगारों को छोड़ दिया जाता है। होश में सब देखा नहीं जाता, इसलिए पी लेता हूँ। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता क्यों नहीं? किससे लड़ू? यहाँ ऊपर से नीचे तक हर आदमी, हर शख्स बिका हुआ है। उनसे लड़कर मैं उन्हें बदल नहीं सकता, मगर हाँ, अपनी इस वर्दी को जरूर खो सकता हूं। और मैं इसे खोना नहीं चाहता अनिकेत, क्योंकि इस वर्दी को पाने के लिए मेरी भाभी ने अपना घर तक बेच दिया। काश वो घर कुछ रोज पहले बिक गया होता। ये नौकरी मुझे कुछ दिन पहले मिल जाती तो शायद आज पूजा तो मेरी होती। क्या हुआ पूजा को? पूजा ने शादी कर ली एक बहुत अमीर लड़के से। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। कब तक वो मेरा इंतजार करती? कब तक? अब तो बस यही प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हो खुश हो। मां ने मेरे लौटने पर कितना सही कहा था। यहां बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया। इतने कम वक्त में पुल भी तैयार हो गया। वेरी गुड आदर्श, लेकिन हाँ, इस पुल का प्लान अभी तक पास नहीं हुआ है। इस प्लान पर किसी इंजीनियर के सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर भी हो जाएंगे सर। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है आदर्श, करोड़ों की लागत से बने पुल का प्लान है। इसके बिना फाइनल पेमेंट भी नहीं होगा, और अगर बात खुल गई तो स्कैंडल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सर, बात घर में ही रहेगी। उस प्लान पे साइन मेरा भाई अनिकेत करेगा। अरे अनिकेत, जरा ये नक्शे पर साइन करना। ठीक है। किसने तैयार किए? अरे तैयार कहा, ये तो सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे को देखकर अपने मुंशी जी ने बनाया। तो फिर तू मुंशी जी से साइन क्यों नहीं करवाता? अनिकेत तू समझ नहीं रहा है, रजिस्ट्रार चाहता है कि इस पर एक इंजीनियर के दस्तखत हो, और तू तो जानता है कि मुंशी जी तो सिर्फ मैट्रिक पास हैं। ये ले। आदर्श, जो काम मैंने नहीं किया उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले लूं यार? सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में क्या गलती हो सकती है? ये ले, जल्दी से साइन कर दे। जिस काम को मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती, तू तो जानता है कि वो काम मैं कभी नहीं करता। क्या ये काम तू मेरे लिए भी नहीं करेगा? अनिकेत, ये मामला लाखों का नहीं करोड़ों का है, और फिर पुल भी बन गया है। क्या सच्चाई तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यारी है? आदर्श, सच्चाई के लिए किसी भी चीज को कुर्बान किया जा सकता है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और फिर सवाल लाखों करोड़ों रुपयों का नहीं है, सवाल इंसानी जिंदगियों का है। ठीक है, मैं किसी दूसरे इंजीनियर से साइन करवा लूंगा। क्या बात है अनिकेत, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। आदर्श बहुत बदल गया है गुड्डी। आजकल उसका काम करते वक्त मुझे बड़ी घुटन सी होती है। मैंने आदर्श के बारे में तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन सच तो ये है कि एक साल में आदमी इतना अमीर नहीं बन सकता। देखो, इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुझे बराबर मिलनी चाहिए, और कोई कुछ कहे मुझसे पूछे बगैर कोई पेपर साइन मत करना। और इस सीमेंट का रेशो, ये क्या है? सीमेंट है साहब। ये सीमेंट है? इसमें तो सिर्फ रेत ही रेत है। सक्सेना साहब के यहाँ से हमेशा यही सीमेंट आता है। अच्छा, काम बंद करो और इसी वक्त ये सीमेंट वापस करो। मगर सक्सेना साहब, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ भैया। अरे इंजीनियर साहब, आइए आइए आइए, प्लीज आइए। यहाँ आकर आपने हमारा दिल खुश कर दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ यह कहने के लिए आया हूं कि आज के बाद हमारी कंपनी में तुम्हारा सीमेंट नहीं आएगा। सरकार कुछ नाराज नजर आते हैं। आइए ना, ठंडे हो जाइए और जिंदगी का मजा लूटिए। आइए आइए, सब कुछ अपना ही है। मैं फ्रेश होके आता हूं। साहब, वहीं खड़े रहकर वक्त बर्बाद मत कीजिए। आइए, मुझे घर जाना है। अपने नंगे जिस्म को और नंगा मत करो। कपड़े पहनो और दफा हो जाओ यहां से। पूजा, तुम इस तरह? तुम तो शरीफ लड़की थी, अचानक वक्त ने तुम्हें इतना गिरा दिया। और तुम्हारी तो शादी भी। कभी सोचा है इस सच्चाई के बारे में जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अनिकेत, क्योंकि मेरे पति ने मुझे यहाँ खुद भेजा है। उन्हें किसी भी कीमत पर सक्सेना साहब से ये टेंडर चाहिए था, और मैं यहाँ इस टेंडर की कीमत चुकाने आई हूँ। ये पहला टेंडर नहीं है, ऐसे बहुत से टेंडर मैंने अपने पति को दिलवाए हैं। दिमाग में सिंदूर देख रहे हो? ये मंगलसूत्र, इसे पहनकर औरत पत्नी बन जाती है ना, मगर मैं एक तबाह से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। अनिकेत, तुमसे एक विनती करती हूँ, सुभाष से जाके सब मत कहना। नहीं कहूंगा, मगर तुम जाकर अपने पति से मेरी एक बात जरूर कहना। कहना कि जिस तरह मजहब इस्लाम में हराम है सूअर खाना, जिस तरह हिंदू धर्म में पाप है गाय खाना, इन सबसे बड़ा गुनाह है मर्द होकर किसी औरत के जिस्म की कमाई खाना। उससे कहना मेरी ये बात। अरे इंजीनियर साहब, जनाब आप तो बहुत ही शर्मिले निकले। बहती गंगा में हाथ धोने का मौका था और वो भी आपने गंवा दिया। खैर, ये कबूल कीजिए। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। रिश्वत? रिश्वत कहकर आप इसे बदनाम मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह सुंदरी के भी 108 नाम है। जैसे पंजाब में इसे इनाम कहते हैं, लखनऊ में इसे नजराना कहते हैं, बम्बई में इसे मिठाई कहते हैं, मद्रास में कभी गया नहीं। अब तमिल और तेलुगु में से क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। तमिल और तेलुगु में से क्या कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की हर जबान में इसका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये किस आदमी को इंजीनियर रख दिया है तुमने? लात मारता है और वो भी कहीं भी। अरे वो तो सक्सेना साहब थे, रिश्वत का नमक खाया है, सह गए। इनके बजाय कोई हमारा डैम होता तो टूट जाता ना। कहता है ऐसे पुल बनाओ जो हजारों साल चले। अरे पुल नहीं गिरेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। सक्सेना साहब की सीमेंट वापस करवा दिया, कहता है इसमें रेत की मिलावट है। सबका सामान वापस करवा रहा है। अगर यही इंजीनियर रहा तो हम सबको कटोरा लेकर किसी सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। 10 पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो। भीख तो हमें कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर वहां भी पहुंच जाएगा और कहेगा ये कटोरा ठीक नहीं है, इसमें भी मिलावट है। आदर्श, इसका कुछ करो वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग अपना सामान भिजवाइए, काम मैं शुरू करवाता हूं। जी साहब। आदर्श साहब कह रहे हैं काम शुरू करो। मैंने करवाया है ये काम, मैंने। और यहाँ काम ऐसे ही होगा क्योंकि मैं यहाँ कारोबार करने बैठा हूँ, देश सेवा नहीं। बड़ा दुख हुआ तेरी ये बातें सुनकर। बाबूजी ने कितने प्यार से तेरा नाम आदर्श रखा था, ये सोचकर कि तू उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेगा। अगर तूने तो अपने नाम का मतलब ही बदल दिया। हाँ, बदल दिया है क्योंकि मैंने यही देखा है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है अनिकेत। जो भी देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। सच्चाई सच्चाई की बात मत कर अनिकेत। बाबूजी ने हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन तक रास्ते पर पड़ी सड़ती रही उनकी लाश। एक आदमी नहीं मिला उस सच्चाई की अर्थी को कांधा देने के लिए। एक आदमी नहीं। तुझे एक आदमी नहीं मिला उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए, मगर मैं कैसे भूल सकता हूं कि बचपन में जब मैं भूख से बिलख रहा था, मुझे एक आदमी मिला था, बाबूजी, जिसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, सर पर छत दी। आदर्श, मेरी ये जिंदगी बाबूजी का कर्ज है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा मैं। उस रास्ते पर तुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा अनिकेत। सच कह रहा है तू आदर्श। एक बहुत बड़े दुख का सामना तो मुझे अभी करना पड़ेगा। तुझे छोड़कर जा रहा हूं मैं। मुझे माफ करना माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो मुझे माफ करना अनिकेत, माँ के फर्ज के नाते मैं मजबूर हूं। मैं इस घर को छोड़ नहीं सकती। तेरे बाबूजी कहा करते थे अक्सर घर छोटा होने की वजह से परिवार बढ़ जाते हैं, मगर आज देख रही हूं मेरा परिवार इसलिए बढ़ रहा है कि घर बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन तू जा बेटे, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू जा। मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मेरा साथ। उसने कुछ ख्याल नहीं किया, उसने दोस्ती का, बचपन के साथ का, बस यूं ही चला गया। क्या समझता है वो, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। ईमानदारी की बातें करता, भूखा मरेगा। अरे जब भूख लगती है ना तो पेट ये नहीं पूछता कि ये रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की। विदेश से लौटने के बाद कहीं काम किया है तुमने? जी, आदर्श कंपनी में। वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से क्यों निकाल दिया गया तुम्हें? हाँ हाँ, डरो मत अनिकेत, सच बोलो। सच तो यही है सर कि आजकल लोग सच डर डर कर ही बोलते हैं। लेकिन मिस्टर अनिकेत, देखिए सर, मेरे डिग्री और सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े हैं, आप देख लीजिए ना। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मैं बाहर खड़ा हूँ। ऑल राइट मिस्टर अनिकेत। थैंक यू सर। ये आदमी बड़ा बदतमीज लगता है, शायद सच्चा है इसलिए। लेकिन सर, जो आदमी उस मिनिस्टर की सिफारिश लेकर आया था उसका क्या होगा? हम सरकारी बड़ी नौकरियां अगर यूं ही रिश्तेदारी और सिफारिश के बिना पर देते रहें तो काबिल लोगों का क्या होगा? यही एक अकेला उम्मीदवार है जिसके पास ना कोई सिफारिश है ना ही कोई हवाला, लेकिन डिग्रियां सबसे ज्यादा। यह नौकरी हम अनिकेत को ही देंगे। गुड्डी, गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, स्टूडेंट फंक्शन शुरू होने वाला है। सर आप अंदर चलिए, मैं अनिकेत, पूजा, सुभाष का इंतजार कर रही हूँ। वो लोग आएंगे तो हम सब साथ मिलकर मजा करेंगे। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होंगे जवान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। आके मिलो डार्लिंग, दिल में है तूफान। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होंगे जवान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। आके मिलो डार्लिंग, दिल में है तूफान। मिलेंगे माय डार्लिंग, रुक लेंगे तूफान। फिर से ना होंगे जवान। रे मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना। अरे मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होंगे जवान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। बुरा बुरा मत करो, बुरा है शैतान। आके मिलो डार्लिंग, दिल में है तूफान। मिलेंगे माय डार्लिंग, रुक लेंगे तूफान। फिर से ना होंगे जवान। अरे मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होंगे जवान। अरे मजा कर ले मेरी जान, मजा कर मेरी जान, फिर से ना होंगे जवान। ओ दिल जानी ख्वाबों की रानी, तूने चुराया दिल। ओ दिल जानी ख्वाबों की रानी, तूने चुराया दिल। ओ माय स्वीट हार्ट, हुई बड़ी मुश्किल। ओ माय स्वीट हार्ट, हुई बड़ी मुश्किल। तेरी सारी मुश्किलें कर दूंगी आसान। मिलेंगे माय डार्लिंग, रुक लेंगे तूफान। मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी कहाँ खो गई थी तुम? अपने साथियों का इंतजार कर रही थी। फंक्शन खत्म हो गया मगर देखो ना कोई नहीं आया। अब शायद वो लोग नहीं आएंगे। वैसे गुड्डी मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ। ये खुशखबरी लेकर तुम माँ के पास नहीं जाओगी? नहीं, मैं अगर माँ के पास गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा मैं, और मैं आदर्श, पूजा और सुभाष की तरह टूटना नहीं चाहता। लड़ूंगा वक्त से, बदल दूंगा हालात। आदर्श सेठ, ये रही साबरा के घर की चाबी। आज उसके घर के दरवाजे खुद उसी के लिए बंद हो गए। सर, ऑफिस, फैक्ट्री, मिल, आखिर सब कुछ तो बिक गया। आज ये घर भी गया। अब आप रहेंगे कहाँ? साबरा अभी तक टूटा नहीं। मेरा फार्म हाउस अब भी है, मैं वहां जाकर रहूंगा। ये किसकी गाड़ी है? तुम? हाँ साबरा, मैं। कैसा लग रहा है बेघर होने के बाद? तेरा घर मैंने खरीद लिया। तो तू ही है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार। हाँ साबरा, मैं ही तेरी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। तेरे टेंडर्स मैंने ही दूसरे को दिलाए, तेरी मिल मैंने ही खरीद ली। याद कर साबरा, बिना छत मेरे बाप की लाश 2 दिन सड़क पर सड़ती रही। याद है? याद आया साबरा? अगर याद नहीं आया तो ये साबरा का अकाउंट भगवान ने बंद नहीं किया, आदर्श ने किया। आदर्श, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरा अकाउंट बाबा नायक बंद करेगा। शांतिपुर डैम का उद्घाटन हो गया क्या? यस सर। आदर्श ने ये डैम किस कंपनी के नाम से बनाया? फर्जी कंपनी थी सर। रिपोर्ट में इस डैम का आदर्श या उसकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। और आपका हिस्सा कल। बोलो। टीवी चालू कर। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार चांदीपुर बांध, जिसका उद्घाटन आज सुबह हुआ था, टूट गया। बांध के टूटने से करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे खुद अफसोस है कि मैंने डैम का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बेईमानों के हाथों में दिया जो सीमेंट के बजाय रेती और रेती के बजाय मिट्टी से बनाया, और वो डैम पहले ही दिन गिर गया। कहा जाता है ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने से आधे पैसे आपके जेब में जाते हैं। ये सब बकवास है। मुझे मालूम है ये सारी अफवाहें अपोजिशन ने फैलाई है। सर, तो क्या ये भी अफवाह है कि आपके गांव में आधे से ज्यादा बंगले आपके या आपके रिश्तेदारों के हैं? सर, क्या भी गलत है कि आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी के मालिक हैं आप? बकवास है, ये गलत है, ये सब झूठा इल्जाम है मुझ पर। इस शहर में मेरे नाम पर सिर्फ एक ही बंगला है। इस शहर में बंगला? दुनिया जानती है आप गरीब किसान के बेटे हैं, तो फिर इस महंगे शहर में करोड़ों का बंगला आपके पास आया कहाँ से? ये क्या किया तूने आदर्श? ये कैसा डैम बनाया? पहले ही दिन टूट गया, और रिबन काटने के लिए मुझे बुलाया था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, वरना मैं तो बह गया होता तेरे उस डैम के साथ। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। इतनी बेईमानी आदर्श, इतनी बेईमानी! अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन रहे तो? चिल्लाओ मत, सुन रहा हूं मैं। बेईमानी बेईमानी होती है, चाहे कम करो या ज्यादा, नतीजा तो एक ही होता है। जो डैम 2 साल बाद टूटने वाला था वो आज टूट गया। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है आदर्श, मुझे फर्क पड़ता है। बदनाम बदनाम हो गया हूं मैं। हजारों लोग हजार तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे, क्या जवाब दूंगा मैं? आपने मुझे दौलत कमाने के लिए अपने साथ रखा था, वो मैंने किया। अब किसको क्या जवाब देना है ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। हमें इस हादसे की इंक्वायरी करानी चाहिए, कमीशन बिठाना चाहिए, और इस कमीशन का चीफ रिटायर्ड जज देसाई को बनाना चाहिए। वो काफी दिनों से बेकार हैं। नहीं, इस बार ये जिम्मेदारी मैं उस नौजवान को सौंपना चाहता हूं जो सच्चा, काबिल और होनहार हो। अनिकेत, इस बार इस हादसे की इंक्वायरी तुम करोगे, और इस इंक्वायरी में इंस्पेक्टर सुभाष तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। इतनी बड़ी इंक्वायरी की जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई, और तू यहाँ खड़ा शराब पी रहा है? इसलिए कि ये इंक्वायरी सब दिखावा है, ठोंक है। वो कह के भूल गया तो सुन के भूल जा, और अगर तेरे हाथ पर सबूत लग भी गया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सुभाष, इस देश की मिट्टी के घर कई बार टूटे हैं, कई बार बिखर गए, मगर इस देश की मिट्टी का मर्द कभी नहीं टूटा है। तो टूट मत दोस्त, एक बार सबूत मेरे हाथ लग जाने दे। मैं कसम खाता हूं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बता दूंगा कि बुद्ध, अशोक और गांधी के इस देश में रहने वाले हम लोग अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, मगर बुज़दिल नहीं। अनिकेत, तुझे आज भी अपने आप में इतना विश्वास है? तो सुन, इस हादसे के जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ सबूत कहां मिलेगा, सब जानता हूं मैं। आ मेरे साथ। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होंगे। आओ। मैं यहाँ देखता हूं। ओके। ठीक है, तुम चलो। जानता है क्या है ये तेरे सारे गुनाहों के सबूत है आदर्श। तुझे लगता है कि कागज के इन टुकड़ों के सहारे तुम मुझे सजा दिला सकेगा? अरे ये सबूत नहीं, रद्दी के वो टुकड़े हैं जिनकी इस देश में कोई कीमत नहीं। अरे इससे पहले क्या इस देश में पुल नहीं गिरे, डैम नहीं टूटे, हादसे नहीं हुए, गरीबों की जाने नहीं गई? कानून ने आज तक किसी एक आदमी को भी गिरफ्तार किया? अदालत ने किसी एक को भी इस जुर्म की सजा दी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा दिखावे के लिए कमीशन जरूर बिठा दिए जाते हैं। तू आज भी उस देश में जी रहा अनिकेत, जिसके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। लेकिन आज वो देश बदल गया है, एक नीलाम घर बन चुका है, बोलियां लग रही है, हर आदमी बिक रहा है अनिकेत, हर आदमी। तेरे पास सबूत है ना, तो जा कोर्ट में, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले मेरा, देखता हूं तेरी सच्चाई क्या कर लेती है मेरा। गुड्डी, आज अपने आदर्श से मुलाकात हुई थी। वो समझता है कि मैं उसे फंसाना चाहता हूं, मगर मैं उनमें से नहीं जो अपनी सच्चाई के घमंड में अपने भाई की बलि चढ़ा दे। मैं तो उसे सच्चाई के रास्ते पर लाना चाहता हूं, उसे भी बचाना चाहता हूं और अपने देश को भी। आदर्श, आज का अखबार पढ़ा तुमने? अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह, ये तूने क्या किया पगले? आदर्श के सारे गुनाह अपने सर ले लिए। मैं क्या करता मां, इंसाफ मुझे मिलता नहीं, और अच्छा ही हुआ मां जो मेरी वजह से आदर्श को सजा नहीं हुई। अगर ऐसा हो जाता तो आज के बाद कोई मां कभी किसी अनाथ अनिकेत के सर पर हाथ नहीं रखती। और मां, आज भी जब तू रास्ते से गुजरती हो ना, तो लोग यही कहते हैं कि वो देखो आदर्श की मां जा रही है। कोई ये नहीं कहता कि अनिकेत की मां जा रही है। मेरा नाम तो सिर्फ अपने घर से जुड़ा हुआ है मां, मगर आदर्श का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं आदर्श के सारे गुनाह अपने सर लेके इस दुनिया से जा रहा हूं, मगर उससे कहना कि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया वालों के सामने सर झुकाकर चलना पड़े। अनिकेत ने आदर्श के सारे गुनाह अपने सर ले लिए। अब अगर आदर्श ने अनिकेत की खातिर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें अनिकेत को रोकना होगा। अनिकेत को रोका नहीं जा सकता। तोड़ा तो जा सकता है, उसे मारकर। देशपांडे, नाम मिटा दूंगा उस हरामजादे का जिसने मेरे भाई की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हें शेर बनाया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके पेट से अंतड़ियां निकाल लेता हूं। अपनी ताकत के घमंड में आके शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश भी मत करना देशपांडे, वरना मिटा के रख दूंगा तुझे। और याद रखना, अगर अनिकेत के जिस्म पर एक भी खराश आई तो मैं तेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद को निचोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। समझा? बाबा के लिए ठंडा ला। रहने दो, मेरे को इधर बुलाया कहीं तो। देख बाबा, हमारी लाख दुश्मनी सही, लेकिन धंधे के मामले में हम भाई भाई हैं। ना हमारे बगैर तेरी गुंडागर्दी चल सकती है और ना तुम्हारे बगैर हमारी नेतागिरी। मेरे से हाथ मिला ले, तेरे पास लाखों नहीं करोड़ों होंगे। काम क्या है? शांतिपुर का जो बांध गिरा था ना, उसके बारे में तो तेरे को मालूम है। 200-250 आदमी मरा था। हाँ, अखबार में पढ़ा था। मैं चाहता हूँ अखबार में इससे भी बड़ी खबर आए, इतनी बड़ी खबर कि लोग इस खबर को भी भूल जाएं। कम से कम 40-50 हजार आदमी मरने चाहिए। मगर इतना सारा आदमी एक साथ मरेगा कैसा? प्लान है। ऐसे कामों के लिए मेरा दिमाग बहुत चलता है। वो जो आदर्श का मिल है ना, उसमें जहरीली गैस का बहुत बड़ा स्टॉक है। अगर वो लीक हो जाए तो। देशपांडे बोलते हैं 5000 जिंदगी का अकाउंट बंद करने का, आदर्श का फैक्ट्री में गैस लीक करने का। कहीं मेरे को फंसाने का चाल तो नहीं चल रहा नेता? वो चाल नहीं, उसकी जरूरत है। आदर्श के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं। अब लोहा ही लोहे को काट सकता है, इसीलिए तुम्हें बुलाया होगा। लेकिन गैस लीक में हजारों लोग मरेंगे। मैं तो सुनकर हिल गया। इंसान की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं? वैल्यू कुर्सी का है बाबा। जितना ज्यादा लोग मरेगा ना, उतना बड़ा हंगामा होगा। आदर्श जेल में होगा, देशपांडे सरकार से बाहर, और मेरे मंत्री बनने का चांस। बाबा, गैस लीक करो। आदर्श कहाँ है? क्यों? हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। आदर्श आज कानून और जनता सबकी नजरों में गुनहगार बन चुका है। पुलिस से बचने के लिए मारा मारा भागता फिर रहा है वो। उसके साथियों ने उसकी फैक्ट्री से गैस लीक करवाकर उसे हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना दिया है। तेरी सारी कुर्बानियां बेकार हो गई बेटे। हाँ माँ, मेरी कुर्बानी बेकार हो गई। शायद इसलिए कि अब इस देश में कुर्बानी की नहीं सजा की जरूरत है। हर वो शख्स जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है उन सबको सबक सिखाऊंगा मैं। वो इसलिए कि हम तो शायद फिर भी अपनी मौत मरेंगे, लेकिन अगर ये लोग जिंदा रह गए तो हमारे बच्चे अपनी मौत नहीं मरेंगे, मार दिए जाएंगे। कभी फैक्ट्री की जहरीली गैस के जरिए, कभी हिंदू मुस्लिम के फसाद में, तो कभी गुंडागर्दी के नाम पर। हमें अपने लिए ना सही पर हमारी आने वाली नस्ल के लिए आंदोलन करना होगा, तब जाके सही माने में हमारा देश आजाद होगा। अबे देशपांडे, अब तेरे गर्दन के साथ साथ तेरी पैंट भी मेरे हाथ में है। एक झटका मारूंगा ना तो तू प्रेस और जनता के सामने नंगा हो जाएगा, नंगा। अंडरवेयर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अंडरवेयर नहीं पहनता हूं, नाड़ी वाली चड्डी पहनता हूं, चड्डी। और तेरे जैसे 10 को नाड़ी में बांध के रखता हूं। कुत्ते, ब्लैकमेल करता है मेरे को, ये मत भूल। मैं भी पावरफुल हूं, 4 बम में तेरी अर्थी निकालवाऊंगा। तुम लोग कुत्ते की जात के लगते हो, जब देखो भौंकते रहते हो। आपस में मंडवाले क्यों नहीं कर लेते? दोनों का धंधा तो एक ही है, पॉलिटिक्स। ठीक है, बोल तेरे को क्या चाहिए। जल्दी अकल आ गई तेरे को? हाँ देख, मैं पॉलिटिक्स छोड़ना चाहता हूं। अब इस धंधे में कुछ मजा नहीं रहा। जान का खतरा अलग। इलेक्शन में जितना पैसा लगाओ, निकालते निकालते 5 साल लग जाते हैं, प्रॉफिट कुछ होता नहीं। और अब तो यह भी गारंटी नहीं कि 5 साल सरकार टिकेगी, 2-3 साल में गिर जाती है। तू एक काम कर, तू मेरे को 20-25 करोड़ दे दे, मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, तेरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उन 2 काटों का क्या होगा? आदर्श और अनिकेत, एक किसान का बेटा और दूसरा मजदूर का। अगर ये दोनों हाथ मिला लिए तो हम सब बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तुम आदर्श की फिक्र मत करो मंत्री जी, आदर्श से मेरा पुराना अकाउंट भी सेटल करना है। अनिकेत मेरे लॉकअप में है, बहुत इल्जाम है उस पर। मैं खुद इसे गोली मार दूंगा और रिपोर्ट लिखूंगा। लॉकअप तोड़ के भाग रहा था, इनकाउंटर में मारा गया। जा अनिकेत, देख इस वक्त पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है। मैं जानता हूं तू एक शरीफ आदमी है और ये गुनाह भी तूने नहीं किया। मेरे को बहुत दया आती है तेरे पर। जा, आप जा, ताकि तू मुझे आसानी से गोली मार सके। तू इतना भी सीधा नहीं जितना मैं तेरे को समझता था। मैं भी तुझे जितना बड़ा हरामजादा समझता था ना, तू उससे बहुत बड़ा हरामी निकला रे। देख, तूने आदर्श के सारे गुनाह अपने सर पे ले लिए। क्या मिला? देशपांडे ने गैस ट्रेजेडी करवा दिया और उसके सारे इल्जाम आदर्श पे डाल दिए। और वो दलवी, वो देशपांडे से 25 करोड़ लेकर आज शाम की फ्लाइट से विदेश जा रहा है। और बाबा नायक, उसे भी देशपांडे ने गैस ट्रेजेडी के लिए बहुत पैसा दिया। अब बचा मैं, मुझे कुछ नहीं। हाँ, तेरे को मार दिया ना तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। 18 ये बहुत कुछ है ना, ये बहुत गड़बड़ है। ये बहुत कुछ पाने के चक्कर में कभी कभी इंसान सब कुछ खो बैठता है। अभी तो खुद को ही देख ले। अगर तू शराफत से रहता तो कितना लंबा जीता। अनिकेत, अनिकेत, डेक भरा हुआ है, डेक मारना नहीं भरा हुआ है डेक। अनिकेत मैं जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ तेरे से, मुझे मारना नहीं अनिकेत, देख मैं जिंदगी से भीख मांगा देख। आंदोलन शुरू हो चुका है। अगर हिंसा का हल अहिंसा नहीं तो हिंसा ही सही। देश तो हर हाल में बचाना है। तेरी जिंदगी का अकाउंट मैं बंद करूंगा। आंदोलन यहीं खत्म नहीं हो जाता। मिटती हुई इंसानियत और सिसकती हुई मातृभूमि को बचाने के लिए हम सबको हर कदम एक आंदोलन की जरूरत है। आओ भारत बनाएं।